करनाल के मनस्वी की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दौरे के दौरान सुबह सबसे पहले उनके घर जा पहुंचे। यूपीएससी में 101 रैंक हासिल करने वाले मनस्वी को सीएम मनोहर लाल ने आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने मनस्वी के परिवार से भी बातचीत की। मनस्वी की मां प्रिंसिपल हैं और पिता दो यूनिवर्सिटीज में वीसी रह चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का आज करनाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत उन्होंने सेक्टर 9 के रहने वाले मनस्वी के घर जाकर बधाई देकर की। हाल ही में यूपीएससी के नतीजे सामने आए तो हरियाणा के युवाओं ने प्रदेश का नाम रोशन किया। मनस्वी ने भी पांचवी बार के अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया। न्यूज 18 से बात करते हुए मनस्वी ने बताया कि उनका लक्ष्य यूपीएससी ही था, इसलिए वो लगातार मेहनत करते रहे और अपने भरोसे के साथ बिना डगमगाए 101 रैंक हासिल किया। मनस्वी का पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मनस्वी ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में महेंद्र सिंह धोनी को रोल मॉडल मानते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरीके से धोनी मैदान पर शांत रहकर बाजी पलट देते हैं, इसी तरह जिंदगी में हमेशा मौके की तलाश में रहना चाहिए और मौका मिलते ही बाजी को पलट देना चाहिए। मनस्वी को क्रिकेट खेलने और पतंग उड़ाने का बेहद शौक है। मनस्वी अभी भी अपने उन साथियों को गाइड करते रहते हैं जो उनके साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और किसी कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा।